सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते और मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ भुवनेश्वर में आया हूँ। और जो कलिंगा का युद्ध था, सम्राट अशोका ने कलिंगा का युद्ध बहुत ही ताकत से जीता था, लेकिन उस विजय से सम्राट अशोक अस्वस्थ बन गए थे और युद्ध करने वाले सम्राट अशोक बुद्ध की तरफ चले गए और उन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो समानतावादी बुद्धिज्म है उस बुद्धिज्म को उन्होंने स्वीकार कर पूरे एशिया में बुद्धिज्म को फैलाने का काम सम्राट अशोका ने किया था। तो कल बुद्ध जयंती है, तो इसीलिए यहाँ एक बुद्ध विहार में, श्रीलंका के बुद्ध विहार में एक फंक्शन रखा गया है और उसको अटेंड करने के लिए मैं आया हूँ। सुबह प्रोग्राम है तो इसीलिए आज मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि भाई बुद्धा का जो संदेश है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें अहिंसा चाहिए, और शांति से मार्ग से ही सभी का विकास हो सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर बहुत कांग्रेस और विरोधी दल वाले टूट पड़ते हैं, बहुत सारी गालियां उनको रोज देने का काम करते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है और उन्होंने देश के विकास के लिए 9 सालों में बहुत बड़ा काम अपने देश में किया है। आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारा आम आदमी कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना शुरू की 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, तो अभी तक कम से कम 48 करोड़ 82 लाख इतने अकाउंट पूरे देश भर में बैंक में खुल चुके हैं। और उड़ीसा का आंकड़ा अगर देखा जाए, उड़ीसा में 2 करोड़ 76 लाख इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में एक योजना शुरू की, मुद्रा योजना, और वो मुद्रा योजना ये थी कि जो छोटा मोटा धंधा करने के लिए नौजवान लोग जब बैंक में जाते थे तो बैंक वाले उनको तकलीफ देते थे, कर्जा मंजूर नहीं करते थे, तो ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, जमानत लाओ, ये लाओ, इसी तरह की तकलीफ देते थे। तो मुद्रा योजना, ऐसी मुद्रा योजना बनाई कि उसके लिए जमानत की आवश्यकता नहीं है, तो 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन इसमें दिया जाता है। और आज तक पूरे देश भर में मुद्रा योजना के अंतर्गत कम से कम 41 करोड़ 16 लाख 62,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। और उड़ीसा में देखा जाए तो कम से कम 2 करोड़ 75 लाख 30,000 इतने लोगों को, बेनिफिशरीज को लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री जी ने देखा कि गांव गांव की मेरी माँ बहने चूल्हे पर खाना बनाती है, धुएं से उनके आंखें लाल बुंद हो जाती है, तो घर घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए। इसलिए जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है उनको गैस सिलेंडर फ्री में देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया 2016 में, और अभी तक कम से कम 9 करोड़ 58 लाख इतने लोगों को देश भर में गैस सिलेंडर मिले हैं। और उड़ीसा में देखा जाए तो 53 लाख 20,000
53,20,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले, गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इस प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, उसमें 2015 में योजना तो शुरू हुई और अभी तक पूरे देश भर में 73,61,000 इतने लोगों को टॉयलेट के साथ उनको मकान मिला है, पक्का मकान। और उड़ीसा में कम से कम 1,33,000 इतने लोगों को मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल की है, उसमें अभी तक 3,14,34,000 इतने लोगों को अभी तक मतलब मकान मिले हैं। और इसका उड़ीसा का आंकड़ा कुछ इसमें नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना, ये योजना है तो इस योजना के अंतर्गत भी मतलब बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मतलब हुआ है। और ये अभी तक 3,02,018 में स्कीम शुरू हुई, 3,35,00,000 इतने लोगों को इसका लाभ हुआ है। लेकिन दिस स्कीम इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये इस उड़ीसा में क्यों नहीं मालूम नहीं है। इसी तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है, कर रहे हैं, पूरे नेशनल हाईवेज पूरे देश भर में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बहुत सारा विकास हो रहा है। तो इसी तरह मतलब आज मैंने मेरे मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग मैंने ली और उसमें मतलब जो मुझे जानकारी मिली, जो स्कॉलरशिप की जो स्कीम है, ये स्कॉलरशिप की स्कीम में यहाँ कम से कम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के स्टूडेंट कम से कम 1,74,000 शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट है और प्री मैट्रिक के 44,000 स्टूडेंट है। ओबीसी के स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक के 59,222 है, प्री मैट्रिक के स्टूडेंट 32,286 है। यहाँ मतलब और स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है, स्कॉलरशिप की स्कीम है, इसमें कम से कम फर्स्ट से लेकर टेंथ तक स्टूडेंट को मतलब एक साल में 11,000 स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब हर महीने में 1,000 रुपीज इतनी स्कॉलरशिप मिलती है। एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में यहाँ 2022-23 में जानकारी मिली कि 3,135 केसेस है। तो इतनी केसेस राज्य में होना ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हमारे अच्छे मित्र है, वो एनडीए की सरकार में कोयला मंत्री और भी मंत्रालय का उन्होंने भार संभाला है और तब से मेरी पहचान उनकी है। जो बिजू पटनायक जी जो सोशलिस्ट नेता थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम मतलब उड़ीसा में किया है। और उसके बाद नवीन पटनायक जी कम से कम 5 बार ना, कितने बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार, 5 बार, हाँ 5 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। और मतलब उनका हमारे एनडीए के साथ पहले अच्छा संबंध रहा है, अभी वो हमारे डायरेक्ट एनडीए में नहीं है, लेकिन हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में जब भी कोई बिल पास करना होता है तब उनके पार्टी की तरफ से उनके एमपी हमको सपोर्ट करते हैं। तो मतलब उनका और हमारा अच्छा गहरा, मेरी उनकी अच्छी पहचान भी है। तो नवीन पटनायक जी से निवेदन है कि थोड़ा सा जो एट्रोसिटी एक्ट है, एट्रोसिटी की केसेस है, दलित पर आदिवासी पर जो अत्याचार होते हैं उस में, तो जो अत्याचार होते पहले पानी,
तो अत्याचार यहाँ होते हैं तो उसको कम करने के लिए मतलब यहाँ कुछ चीज करनी चाहिए। यहाँ स्टेट में मतलब एससी का पॉपुलेशन 17.13% है, एसटी का पॉपुलेशन 22.85% है। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ लिटरेसी का रेट टोटल 72.87 है और लिटरेसी रेट एससी में 69.2% है और लिटरेसी रेट एसटी में 52.24 है। तो इसी तरह मतलब एक अच्छी बात है कि ये यहाँ लिटरेसी का रेट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ स्टेट में जो भी योजनाएं हैं इस योजनाओं का फायदा इस स्टेट को देने का काम भारत सरकार कर ही रही है। जो योजना मैंने अभी बताई उसका फायदा स्टेट के तमाम लोगों को हो रहा है। दूसरा एक हमारे सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय पहले लिया है कि जिस तरह एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसी तरह सवर्णों में हाई कास्ट कम्युनिटी में जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ऐसे फैमिली को रिजर्वेशन देने का निर्णय हमने हमारे मंत्रालय ने लिया है और ये 10% रिजर्वेशन लागू करने का निर्णय हुआ है।